हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, द कॉम्प्लेक्स पाथ टू बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी। तो जैसे हमने देखा है कि अभी G20 में हमने बायोफ्यूल अलायंस बनाया है, जैसे सोलर अलायंस बनाया था, उसके ऊपर बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी का क्या है रास्ता, वो इसमें आर्टिकल में ये एडिटोरियल है, इसमें डिस्कस होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। अंटिल अ फ्यू ईयर अगो, वर्किंग ऑन बायोफ्यूल कॉल्ड फॉर कॉन्स्टेंट जस्टिफिकेशन इन द फेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेकिंग ओवर द वर्ल्ड टूडे। वाइल देर इज नो डाउट दैट ईवी अडॉप्शन हैज एम्पलीफाइड ओवर द ईयर्स, देर इज ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट दैट नो डिकार्बोनाइजेशन स्ट्रेटजी इज ट्रेड ऑफ फ्री। फॉर इंस्टेंस, फॉर अ ट्रांजिशन टू ईवी, एग्जिस्टिंग इंटरनल कंबशन इंजन, जो आपका अभी का इंजन आ रहा है, व्हीकल्स एंड द सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी रिप्लेस्ड एंटायरली। तो जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है व्हीकल का, उसको कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा। किस लिए? ईवी के लिए। फर्दर, द रिक्वायर्ड बैटरीज एंड क्रिटिकल मिनरल्स यूज इन देम नीड टू बी इम्पोर्टेड, एडिंग टू इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑन हाउ दिस मटेरियल्स आर माइंड। अमंग अदर इशूज, बायोफ्यूल्स ऑन द अदर हैंड कैन बी यूज इन एग्जिस्टिंग ICE इंजन, जो है आपका IC इंटरनल कंबशन इंजन। तो बायोफ्यूल्स के लिए इंजन को नहीं चेंज करना पड़ेगा हमें। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विथ लिटिल टू नो मॉडिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द ब्लेंडिंग रेट्स एंड अदर इम्पोर्ट इंडिपेंडेंस। तो देखिए, बायोफ्यूल अगर हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसमें पहली बात तो हमें इंजन नहीं चेंज करना पड़ेगा, जो आज हमारे व्हीकल में यूज़ हो रहा है वही होगा। और सेकेंडली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है व्हीकल का, वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, और वो भी इम्पोर्ट के ऊपर, क्या इजिली अवेलेबल है क्या नहीं है, नहीं तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। हाउएवर, बायोफ्यूल इज़ एन ब्लैंकेट टर्म दैट इंक्लूड्स बोथ सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल फ्यूल, एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डिफरेंस विल बी असेंशियल टू ड्राइव इफेक्टिव डिकार्बोनाइजेशन एक्शन। तो जो बायोफ्यूल है, उसमें दोनों चीज़ें आ जा रही है, इसमें सस्टेनेबिलिटी भी आ रही है और अनसस्टेनेबिलिटी भी आ रही है। तो इसमें ये हमारे ऊपर रहेगा कि हम उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, कि कार्बोनाइजेशन एक्शन आगे फर्दर आपका ना हो पाए, तो कार्बन फुटप्रिंट कम हो। तो मतलब हमें जाना है आपके सस्टेनेबल तरीके की तरफ, सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ। द चैलेंजेस इन इंडिया। इन इंडिया, बायोफ्यूल इज सिनोनिमस विथ फर्स्ट जनरेशन दैट इज 1G इथेनॉल, विच इज प्राइमरली सोर्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स। द पॉलिसी टारगेट इन इंडिया ऑफ अचीविंग 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल, E20 जिसको बोला जाता है, बाय 2050-26 इज एक्सपेक्टेड टू बी मीट ऑलमोस्ट एंटायरली बाय 1G इथेनॉल मेड फ्रॉम शुगर केन एंड फूड ग्रीन। तो यहाँ पे शुगर केन और फूड ग्रीन से जो इथेनॉल होगा, उसको 20% फ्यूल में, मतलब पेट्रोल में ब्लेंड होगा, उसको फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल बोला जाता है। यहाँ पे उस बायोफ्यूल की बात हो रही है। सेकेंड जनरेशन 2G, देखिए 2G इथेनॉल, विच इज़ जो इस सेकेंड जनरेशन है, विच इज़ मेड फ्रॉम क्रॉप वेस्ट एंड रेसिड्यू, इज़ अनलाइकली टू कंट्रीब्यूट मच टू अचीविंग दिस टारगेट ड्यू टू सेवरल चैलेंजेस रिलेटेड टू फीड स्टॉक सप्लाई चेन एंड स्केलिंग अप। द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोइंग शुगर केन आर वेल नोन। तो शुगर केन, जैसे पता है कि शुगर केन को ग्रो करने के लिए ग्राउंड वाटर बहुत यूज़ होता है, तो वो एक यहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं, एंड ऑफ यूजिंग फूड ग्रेन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन आर हार्डर टू इमेजिन बिकॉज इंडिया इज करेंटली सरप्लस फूड प्रोड्यूसर, बट देर आर सेवरल रीजन वाई डाइवर्टिंग द सरप्लस प्रोड्यूस टूवर्ड्स एनर्जी और स्पेसिफिकली ग्रोइंग ए क्रॉप फॉर एनर्जी में नॉट बी सस्टेनेबल एनर्जी। अभी इंडिया सरप्लस फूड प्रोड्यूसर है, पर क्या ऐसा हमेशा रहेगा? क्या ये कभी चैलेंज नहीं आ सकती? तो इसलिए अभी उस डायरेक्शन में जाना, मतलब इतना सस्टेनेबल नहीं होगा कि हम एनर्जी करने के लिए अपना फूड ही छोड़ दे रहे हैं। छोड़ क्या दे रहे हैं, कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट, इंडियाज क्रॉप यील्ड हैव ऑलरेडी स्टैगनेंट। मतलब क्रॉप यील्ड ये होता है कि अगर आप 1 एकड़ ले रहे हैं, तो उसमें आप कितने फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और क्या क्या उसको यूज़ करें कि उसका क्रॉप यील्ड निकले। जैसे 1 एकड़ से मानिए कोई आपका यहाँ पे 1 टन कुछ निकल रहा है, तो आपने इसमें फर्टिलाइज़र दिया और इसमें अच्छे सॉइल को अच्छे से ट्रीट किया, सॉइल कार्ड यूज़ किया आपने, सॉइल एनालिसिस यूज़ किया, उस हिसाब से इसको फर्टिलाइज़र दिया, मैन्योर्स दिया और पेस्टिसाइड्स दिया, तो ये हो सकता है जो 1 टन निकल रहा है आपका, ये 2 टन हो जाए, 1.5 टन हो जाए। तो इंडिया का ये ऑलरेडी बेस्ट लेवल पे चल रहा है।
मैं ये तो नहीं कह सकता बेस्ट पे चल रहा है, पर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्टेगनेंट हो चुका है, अभी आगे नहीं बढ़ रहा। एंड ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस यील्ड्स, तो ग्लोबल वार्मिंग से ये और कम होगा जो उल्टा, विच मीन्स दैट द सेम एरिया अंडर कल्टिवेशन जहाँ पे चीज़ें उगाई जा रही है विल प्रोड्यूस लेस विद टाइम बट विल नीड टू सफाइस फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है और हो सकता है हमारा जो पर यील्ड है और वो कम हो जाए, तो इसलिए सो आर स्ट्रेटेजी टू मीट ब्लेंडिंग टारगेट कैन नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन सरप्लस फूड प्रोडक्शन, इसलिए ये सरप्लस फूड क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते हम। सेकेंड, अ रिसेंट स्टडी लेड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन प्रोजेक्टेड दैट दी रेट ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कुड ट्रिपल ड्यूरिंग 2040 एंड 81 कंपेयर्ड विद द करंट रेट। दिस इज अगेन एट्रीब्यूटेबल टू टेम्परेचर राइज एंड रिलेक्टेंट इंक्रीज इन क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन वो तिगुने रेट से होगा, इंटू थ्री टाइम्स जल्दी होगा, कब 40 में, 2040 से 2081 के बीच में, क्यों? टेम्परेचर राइज की वजह से और आपका जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है मतलब इरिगेशन की वजह से। विथ सच लिमिटेड रिसोर्सेज बी इट ग्राउंड वाटर और एरिएबल लैंड, फूड प्रोडक्शन शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर फ्यूल। तो प्रायोरिटी हमें किसे देना होगा? फूड प्रोडक्शन को, फ्यूल को नहीं। क्यों? उससे क्या होगा कि जैसे लोग बढ़ रहे हैं, मानिए हम लोग फ्यूल को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें और फूड को ना दें, तो हो सकता है कि हमारे लिए फूड स्कैरसिटी यहाँ पे वैसी सिचुएशन आ जाए जो हम नहीं चाहेंगे। थर्ड, द एग्रीकल्चर सेक्टर इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टू अबेट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सो इंक्रीजिंग जीएचजी एमिशन फ्रॉम दिस सेक्टर फॉर मोटर फ्यूल प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू डिक्रीज जीएचजी एमिशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज एन अननेसेसरी बैलेंसिंग लूप दैट वुड अचीव लिटिल नेट बेनिफिट। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस अगर उधर बचाने जाएंगे तो थोड़ा बहुत इधर रिलीज होगा, तो वही हमारा जो बेनिफिट नेट होना है, जो नेट बेनिफिट होना है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा, तो उस नेट बेनिफिट के लिए इतना ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। इन इंडिया द इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी हैज़ बीन अ गुड स्ट्रेटेजी टू डील विथ आर सरप्लस शुगर प्रोडक्शन। अनदर गुड स्ट्रेटेजी टू डील विद द सरप्लस शुगर प्रोडक्शन वुड बी टू रिड्यूस सरप्लस शुगर केन कल्टिवेशन। इंक्रीजिंग फार्मर इनकम इज ऑफन वेव्ड एज अ वाइट फ्लैग इन रिस्पॉन्स टू दिस आर्ग्यूमेंट, बट शुगर केन बींग अ रेम्यूनरेटिव क्रॉप हैज़ मोर टू डू विथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन देन एनीथिंग एल्स। दिस मीन दैट एनी अनअज्यूमिंग क्रॉप कुड बी मेड एज रेन्यूमरेटिव एज शुगर केन इफ सो डिजायर्ड। सस्टेनेबल बायोफ्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू एंड अदर वेस्ट विथ लो वाटर एंड जीएचजी फुटप्रिंट। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस डेट वॉज फॉर्म एट G20 समिट, इसी की मैं बात कर रहा था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस डेट वॉज फॉर्म एट द G20 समिट इन न्यू दिल्ली लास्ट वीक इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स इन एडिशन टू प्रमोटिंग इथेनॉल अपटेक। इट इज देयर फॉर अ हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर इंडिया डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कमिटमेंट टू क्लाइमेट एक्शन विथ ग्लोबल कॉपरेशन। सस्टेनेबल बायोमास यूज, द एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन इन इट्स रिपोर्ट ऑन बायो रिसोर्स विथ नेट जीरो एमिशन इकोनमी रिकमेंडेड दैट द बायोमास शुड बी प्रायोरिटाइज्ड फॉर द यूज इन सेक्टर वेयर देयर आर लिटिल लो कार्बन अल्टरनेटिव, लॉन्ग हॉल एविएशन एंड रोड फ्रेट सेगमेंट्स वेयर इन कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन माइट टेक लॉन्गर टू अचीव कुड मेक द कट वेयर इज पेट्रोल व्हीकल फॉर विच इथेनॉल ब्लेंडिंग इज करेंटली बींग टारगेटेड वुड प्रोबेबली नॉट। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2050 ग्लोबली सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन नीड टू ट्रिपल बाय 2030 टू फ्यूल मोड्स डेट हैव फ्यू अदर मिटिगेशन ऑप्शन। ऑल दो 1G इथेनॉल इज अनलाइकली टू फिट द बिल, 2G इथेनॉल कुड बी काउंटेड एज अनसस्टेनेबल फ्यूल स्पेशली इफ द प्रोडक्शन इज डिसेंट्रलाइज दैट इज क्रॉप रेसिड्यू डू नॉट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड लार्ज डिस्टेंस टू अ सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बट दिस माइट अफेक्ट अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर द 2G प्लांट। बैलेंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद द एनर्जी नीड ऑफ बायोमास कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द लार्ज डिस्टेंस इज अ मेजर चैलेंज। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन आ गया, सेंट्रलाइजेशन नहीं है यहाँ पर बायोफ्यूल के केस में, 2G के केस में,
कि अब सेंट्रलाइजेशन ही है ना, जितना दूर हम लोग उसको भेजेंगे ट्रीट होने के लिए क्रॉप्स के रेसिड्यू को, उतना भी तो मतलब हमारे लिए कार्बन फुटप्रिंट से भी और पैसे से भी, फाइनेंशियली भी हमारे लिए महंगा पड़ेगा। तो ये सेंट्रलाइज नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आप देखिए ट्रांसपोर्ट आपका जो अक्रॉस अ लार्ज डिस्टेंस इज अ मेजर चैलेंज। देयरफॉर द बायोफ्यूल अलायंस कुड हेल्प ड्राइव इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन एस्टेब्लिशिंग एन एफिशिएंट बायोमास सप्लाई चेन एंड ए स्मॉलर स्केल डिसेंट्रलाइज बायोफ्यूल प्रोडक्शन यूनिट। तो ये बता रहे कि हर जगह, जैसे यहाँ से क्रॉप उठा रहे हैं, मान ये राजस्थान से उठा के जरूरी नहीं है दिल्ली भेज रहे हैं या कहीं भेज रहे हैं, हो सकता है राजस्थान के जहाँ जहाँ पे लोकली वहाँ पे अवेलेबल सेंटर प्लांट बना दिया गया हर जगह, कि ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की हमें जरूरत ना हो, ये बात हो रही है। और अलग अलग और इनोवेशन करेंगे। अचीविंग ट्रू सस्टेनेबिलिटी इज कॉम्प्लेक्स, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू बायोफ्यूल। देयरफॉर एनी स्ट्रेटेजी शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज इकोसिस्टम टू अवॉइड अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। मतलब इसका मतलब यह है कि हम चाह नहीं रहते पर नेगेटिवली कुछ इम्पैक्ट हो जाए, हम वैसा भी नहीं चाहेंगे, इसलिए इसके ऊपर आराम से करना पड़ेगा और केयरफुली एग्जामिन करके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लार्जर इकोसिस्टम। ये नहीं कि यहाँ की चीज़ बचा रहे तो उसके चक्कर में इंडिया में ही कोई कॉर्नर को हम लोग हार्म कर दें। वहाँ पे हर चीज़ एक नेशनल लेवल पे और एक ग्लोबल लेवल पे सोच के हमें करना पड़ेगा। इनोवेशन की ज़रूरत है, लोकल डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है, लोकल इनोवेशन की ज़रूरत है। और 1G मैंने आपको बता दिया, 1G इथेनॉल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट और क्या क्या हमारे लिए इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो हमारा बना है G20 समिट न्यू दिल्ली में, ठीक है। दूसरा आप देखिए 1G इथेनॉल क्या है, 2G इथेनॉल क्या है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है। और 2G इथेनॉल में क्या क्या चैलेंजेस आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको दे बता दिया, आज सरप्लस फूड प्रोड्यूसर है पर क्या हमेशा होगा, और डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर विद ग्रोइंग शुगर केन, ये भी एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे बताया गया कैसे 2040 2081 के बीच में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को ट्रिपल, तो ×3 टाइम्स हो जाएगा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। और क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए टेम्परेचर राइज हो रहा है और क्रॉप की रिक्वायरमेंट्स मतलब इरिगेशन की बात हो रही है, तो यही सब बात हो रही है यहाँ पे GHG एमिशन। तो हमारे लिए सबसे पहले ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा 1G इथेनॉल, 2G इथेनॉल और इसके लिमिटेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और तीसरा बायोफ्यूल हमारे लिए पता है कि दो टाइप के होते हैं, इसमें भी एक सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल। और तीसरा यहाँ पे बात होती है कि कैसे हमें इनोवेट करना पड़ेगा, लोकल लेवल पे करना पड़ेगा, और बायोफ्यूल्स में भी आज हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हमें हमारे लिए लिमिटेशन है, जैसे कि एक ट्रांसपोर्टेशन का हमने लिमिटेशन देखा, नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस अ लार्ज डिस्टेंस ही हमने देखा, तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको बेसिकली इस आर्टिकल से इतनी चीज़ें निकालनी है और ताकि आप कहीं पर बता सके, बोल सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। तो मेरे हिसाब से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था तो मैंने कवर किया। So thank you guys and all the best to achieve all your dreams. Thank you.